स्टूडेंट मैं आपका वेलकम करना चाहूँगा पाइथन प्रोग्रामिंग के लेक्चर नंबर 40 में। तो स्टूडेंट मैंने उस दिन आपको स्टैक की प्रोग्रामिंग थ्योरेटिकली बताई थी, आज मैं इसे प्रैक्टिकली बताने वाला हूँ कि इस प्रोग्रामिंग को हम पाइथन के सॉफ्टवेयर पर कैसे रन कराएँ, हाउ वी रन पाइथन प्रोग्रामिंग ऑन इसके ऊपर, पाइथन प्रोग्रामिंग ऑन पाइथन सॉफ्टवेयर, ठीक है, स्टैक की प्रोग्रामिंग। तो सबसे पहले स्टूडेंट क्या बनाया था हमने, def ऐड करने के लिए एक फंक्शन क्रिएट किया था, याद आ रहा होगा, इसमें एक लिस्ट क्रिएट की थी l, ठीक है। तो सबसे फर्स्टली इनको तो हम बनाएंगे बाद में, तो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, एक l नाम की कोई लिस्ट क्रिएट कर लेते हैं। कैसी लिस्ट, बाय डिफॉल्ट लिस्ट हम कर लेते हैं 1 5 7 9, इस तरह से हम कर लेते हैं लिस्ट को ऐड कर लेते हैं, ठीक है। इसमें पहले से कुछ मैंने एलिमेंट्स मान ली, वैल्यू मान ली 1 5 7 9। सबसे पहले हम कौन सा फंक्शन क्रिएट करेंगे, ऐड, कौन सा फंक्शन क्रिएट करेंगे, ऐड, ठीक है। ऐड का मतलब है कोई एक एलिमेंट कहाँ एंटर करना, इस लिस्ट के अंदर एंटर करना, इस स्टैक के अंदर। और स्टैक में कोई भी एलिमेंट कहाँ ऐड होता है स्टूडेंट, कहाँ ऐड होता है, टॉप पर ऐड होता है। इट मीन्स कोई भी नया एलिमेंट जो आएगा, नई वैल्यू आएगी, वो कहाँ आएगी, 1 से पहले आएगी कि 9 के बाद आएगी, 9 के बाद आएगी, क्योंकि सबसे पहले देखो ये आया होगा, फिर 5 आया होगा, फिर 7 इंसर्ट हुआ होगा, फिर 9 इंसर्ट हुआ होगा, तो लास्ट में इंसर्ट होगा वो 9 के बाद। तो इट मीन्स लास्ट में किसी लिस्ट में, लास्ट में अगर कोई वैल्यू इंसर्ट करनी है, तो देन हम उस केस में किसका यूज़ करते हैं, अपेंड फंक्शन का यूज़ करते हैं, मैंने उस दिन आपको बताया भी था, ठीक है। तो सबसे पहले तो अपेंड फंक्शन का यूज़ जब करेंगे ना, जब हमें कोई एलिमेंट मिल जाएगा, तो हमें पहले सबसे पहले एलिमेंट हमें इनपुट कराना पड़ेगा, वैल्यू इनपुट करानी पड़ेगी कि किस वैल्यू को हम लास्ट में जोड़ना चाह रहे हैं। भाई ऐड कब होगा स्टूडेंट, जब ऐड होगा ना, कि जब हमें कोई वैल्यू एंटर हो जाएगी, तो सबसे पहले वैल्यू एंटर कर लीजिए आप। वैल्यू के लिए मान लेते हैं a इक्वल्स टू इंट इनपुट, ठीक है ना, इनपुट, ठीक, क्या कर लेते हैं आप, प्लीज एंटर द वैल्यू, किस वैल्यू को आप एंटर करना चाह रहे हैं, उस वैल्यू को क्या कर लो, इनपुट कर लो। अब वो वैल्यू किसके अंदर आ चुकी है स्टूडेंट, इस ए के अंदर आ चुकी है, मतलब कुछ भी होगा 5 7 9 13 14 15, कुछ भी एंटर कर दिया हो, ठीक है। अब एल के अंदर हमें क्या करना है, एल डॉट अपेंड, क्या करना है, एल डॉट अपेंड, ठीक है बेटे, क्लियर है ना, कोई दिक्कत तो नहीं। एल डॉट अपेंड किसको इंसर्ट करना है, ए को इंसर्ट कर देना, ठीक है ना। तो अब क्या होगा स्टूडेंट, ये एल डॉट अपेंड ए, इसका मतलब है जो मैंने ए इंसर्ट किया है, वो ए कहाँ इंसर्ट हो जाएगा, इस एल में, इट मीन यहाँ आ जाएगा, इसके लास्ट में आ जाएगा। तो ये क्या हो गया, किसी भी स्टैक में कोई भी एलिमेंट क्या करना, कोई वैल्यू, नई वैल्यू स्टोर करना, कहाँ स्टोर करना, एट द लास्ट, लास्ट में एंटर करना। फिर बताते हैं ये एल की वैल्यू, जैसे ऐड फंक्शन कॉल होगा, इस एल की वैल्यू कहाँ सेंड हो जाएगी, इस एल में सेंड हो जाएगी, इट 1 5 7 9 कहाँ सेंड होगी, इस एल में सेंड होगी, एल का एक लिस्ट है ना। तो अब वो वैल्यू इनपुट कराएंगे जो हमें इस लिस्ट में एंटर करनी है, ऐड करनी है, तो ए इक्वल टू इंट इनपुट प्लीज एंटर द वैल्यू, इनपुट कर दी वैल्यू, ठीक है भैया, इनपुट कर दी, ठीक है। इसके बाद मैंने किया एल डॉट अपेंड ए, वो वैल्यू जो मैंने इनपुट की थी, वो जाके कहाँ स्टोर हो जाएगी, कहाँ सेव हो जाएगी, इसके लास्ट में जाके स्टोर हो जाएगी। तो यही तो स्टैक था, स्टैक क्या कहता है कि व्हेन वी ऐड एनी न्यू वैल्यू इन लिस्ट एट द एंड दैट इट इज नोन एज स्टैक, कि एडिशन कहाँ होना चाहिए किसी लिस्ट में, अगर उसे स्टैक बनाना चाह रहे हैं, लास्ट में होना चाहिए। तो इन दोनों स्टेटमेंट से क्या लग रहा है आपको, कहाँ हो रहा है उसका इंसर्शन, इंसर्ट कहाँ हो रहा है, नया एलिमेंट कहाँ जुड़ रहा है, लास्ट में ऐड हो रहा, नहीं हो रहा है, तो ये ऐड फंक्शन हमारा क्रिएट हो गया, कोई दिक्कत तो नहीं स्टूडेंट। सेकंड फंक्शन कौन सा आता है, अगर मान लीजिए इसके बाद अगर हम लिस्ट देखना चाहते हैं कि एलिमेंट ऐड हुआ है नहीं हुआ है, देख लेते हैं स्टूडेंट, इस प्रोग्राम को रन करा के देखते हैं एक बार, ठीक है। सबसे पहले क्या होगा, ऐड फंक्शन कॉल होगा, एक नया एलिमेंट जुड़ जाएगा, फिर उसके बाद प्रिंट हो जाएगी लिस्ट हमारी एल, कि नया एलिमेंट ऐड हुआ है नहीं हुआ, देख लेते हैं एक बार। मैंने इसको रन किया, रन करने के बाद क्या देखते हैं हम, सबसे पहले तो इसे सेव कर लीजिए ppjsb, ठीक है, सेव कर लिया। सेव करने का नया एलिमेंट देखो, मान लो मैंने कर दिया 12 कर दिया,
आ गया 1579 12 12 का ऐड हो गया, लास्ट में ऐड हुआ नहीं हुआ। एडमी ये लिस्ट जो है किसको फॉलो कर रही है, स्टैक को फॉलो कर रही है। क्या हुआ, ये एक लिस्ट मैंने, लिस्ट के आइटम मैंने डिफॉल्ट मान ली, लिस्ट की वैल्यू मान ली डिफॉल्ट, ये पहले से स्टोर है 1579। अब मुझे एक नया एलिमेंट जोड़ना है और इसे इम्प्लीमेंट करना है, इस लिस्ट को एज अ स्टैक इम्प्लीमेंट करना है। क्या कि इसमें जो नया एलिमेंट ऐड होगा वो कहाँ ऐड होगा, एट द एंड ऑफ लिस्ट, लास्ट में, लास्ट एलिमेंट के बाद ऐड होना चाहिए। क्या कहाँ पर, कि इस लिस्ट में लास्ट एलिमेंट के बाद ऐड होना चाहिए, ठीक है, लास्ट के बाद। तो इसका मतलब है एक ऐड नाम को फंक्शन क्रिएट किया, ये कि ऐड नाम का फंक्शन क्रिएट, ये जैसे यहाँ कॉलिंग होगी तो इस एल की वैल्यू ये जो थी वो कहाँ सेंड हो जाएगी, इस एल में सेंड हो जाएगी। अब मांगा जाएगा प्लीज एंटर द वैल्यू, भाई कोई नई वैल्यू अगर आप एंटर कराना चाह रहे हैं तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, वैल्यू हमें क्या करनी पड़ेगी, एंटर करनी पड़ेगी। वैल्यू एंटर कर दी 15 कर दी मान लो, अब एल डॉट अपेंड वो 15 कहाँ जाके ऐड हो जाएगी, अब इस लिस्ट के एल डॉट मतलब ये लिस्ट किससे बिलोंग करती है, इससे बिलोंग करती है, तो इसके लास्ट में जाके वो वैल्यू जो ए एंटर किया है वो कहाँ ऐड हो जाएगा, इस लिस्ट में ऐड हो जाएगा। तो यही तो स्टैक कहता है कि कोई भी अगर वैल्यू किसी लिस्ट में हम लास्ट में जोड़ें तो वो क्या बन जाता है, स्टैक बन जाता है, और लास्ट में से ही घटाएं तो वो क्या बन जाता है, हमारा स्टैक बन जाता है, ठीक है ना। अगर मान लो मैं इस ऐड फंक्शन को 3-4 बार कॉल करता हूँ तो कितनी वैल्यू ऐड हो जाएंगी बताना, 4 वैल्यू ऐड हो जाएंगे देखना। पहली बार कॉल होगा तो एक वैल्यू एड वो हो जाएगी ऐड, दूसरी बार कॉल फंक्शन होगा तो दूसरी वैल्यू ऐड हो जाएगी, तीसरी बार फिर एक कॉल होगा तो एक वैल्यू दूसरी, इट मीन जितनी बार इस फंक्शन को कॉल करेंगे उतनी बार ये ऐड फंक्शन क्या होगा, एग्जीक्यूट होगा, ये दोनों स्टेटमेंट क्या होंगे, एग्जीक्यूट होंगे। उतनी बारी वो एलिमेंट जो आप क्या करेंगे, उतनी बारी वैल्यू एंटर करेंगे और वैल्यू क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। करके देख लेते हैं कि ये 4 बार एंटर होगा नहीं होगा, 4 बार ऐड होगा नहीं होगा, क्योंकि मैंने कितनी बार कॉल किया ये फंक्शन, 4 टाइम्स। पहली बार किया मान लो 12, फिर 15, फिर 17, फिर 19 हो गया, देखो 12, 15, 17, 19 तो एंड में हो रहा नहीं हो रहा, पहले 12 आया एंड में, फिर 15 आया इसी के एंड में, फिर 17 आया इसी के एंड में, ये 19 इसमें एंड में आ गया। इसका मतलब क्या है, 12, 15, 17, 19 इसका मतलब है ये स्टैक के उसको नियम को फॉलो कर रहा है, समझ में आ गया ऐड करना। दूसरा फंक्शन क्या होता है स्टूडेंट, डिलीट करने का, किसका होता है, डिलीट करने का फंक्शन होता है, तो डी ई, हाँ ऐड भी कर सकते हैं आप चाहे तो, एक बार और ऐड करो, 5 बार ऐड कर लेते हैं, डिलीट, डिलीट फंक्शन कॉल किया हमने, डिलीट एल, ये तो अब एल जो लास्ट, ये एल कहाँ ट्रांसफर हो जाएगा, ये इस, अब इसका हमें क्या क्रिएट करना पड़ेगा, डिलीट फंक्शन क्रिएट करना पड़ेगा, डी ई एफ डी ई एल ई टी ई, डिलीट फंक्शन कॉल किया एल, ओके। अब डिलीट फंक्शन क्या कहता है, स्टैक का, स्टैक का डिलीट फंक्शन कहता है कि वो लास्ट से ही हटना चाहिए, ठीक है, लास्ट से हटना चाहिए। तो लास्ट से हटाने के लिए किस फंक्शन का यूज़ करते हैं, मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताया था पॉप फंक्शन, क्या करेंगे हम, एल डॉट पी ओ पी हो गया सिंपल। ये मतलब क्या करेगा, लास्ट एलिमेंट को, लास्ट वैल्यू को क्या कर देगा, उस लिस्ट में से, उस स्टैक में से क्या कर देगा, हटा देगा। अब मैं यहाँ एक बार और कर देता हूँ प्रिंट, प्रिंट एल, इसका मतलब क्या है कि तो 4 बार ये ऐड फंक्शन कॉल होगा तो आउटपुट दिखाएगा, 4 एलिमेंट को जोड़ के प्रिंट कर देगा, फिर एक लास्ट एलिमेंट हटने के बाद फिर प्रिंट कर देगा। भाई देखो ये देखो, फर्स्ट टाइम कॉल होगा तो पहली बार जो आप इनपुट करोगे वो ऐड हो जाएगा लास्ट में जाके, यहाँ दोबारा ये कॉल हुआ यहाँ पर सेकंड टाइम तो दूसरा एलिमेंट जो आप ऐड करोगे वो उसके लास्ट से लास्ट में जाके फिर इंसर्ट हो जाएगा, फिर थर्ड वाला इंसर्ट हो जाएगा, फिर फोर्थ, फिर फिफ्थ, 5 बार कॉल हो जाएंगे, 5 एलिमेंट आपके ऐड हो जाएंगे। जितनी बार किसी फंक्शन को आप कॉल करेंगे उतनी बार ये क्या करेगा, ये कोडिंग क्या होगी, एग्जीक्यूट होगी, और एग्जीक्यूट होने के बाद उतनी बार वो नया नए वेरिएबल लास्ट लास्ट में ऐड होते जाएंगे। मान लो फर्स्ट टाइम मैंने एंटर किया 11, तो 11 कहाँ जाके इंसर्ट हो जाएगा, पहली बार मान लो ऐड फंक्शन कॉल हुआ, मैंने ए की वैल्यू एंटर कर दी 11, तो 11 कहाँ जाके इंसर्ट हो जाएगी, लास्ट में जाके ऐड हो जाएगी 9 के। सेकंड टाइम जो फंक्शन कॉल होगा मान लो मैंने कर दी 15 9 11 के 15 फिर उसके बाद आ जाएगा, फिर मान लो 17 कर दिया, फिर 19 21 23 ऐसे करके 5 वैल्यू मैंने एंटर कर दी, 5 एक एक करके आपकी ऐड होती जाएंगी, फिर वो प्रिंट कर देगा उतना।
कि कितना आ गया आउटपुट, ठीक है, लिस्ट में क्या क्या ऐड हो चुका है। फिर हम डिलीट फंक्शन जैसे कॉल करेंगे, जो जो एल थी 23 तक होगी थी ना, 1579 करके 23 तक, उस एल, फिर ये डिलीट फंक्शन कॉल हो गया, इस एल की वैल्यू कहाँ सेंड हो जाएगी, फिर इस एल में सेंड हो जाएगी। फिर ये क्या करेगा, एल डॉट पॉप लास्ट जो वैल्यू होगी, 23 थी लास्ट वैल्यू, उसको वो हटा देगा, क्या कर देगा, रिमूव कर देगा। तो जो आंसर आएगा लिस्ट की वैल्यू का वो कहाँ तक आएगा, 1 से लेकर 23 से पहले तक आएगा, 23 नहीं आएगा, क्योंकि पॉप पॉप फंक्शन क्या करता है, किसी भी लिस्ट के लास्ट वैल्यू को हटा देता है। ठीक है, मैं इसको तो प्रैक्टिकली समझाता हूँ। पहले मुझे कितनी वैल्यू ऐड करने पड़ेंगे, 5 वेरिएबल, 5 वैल्यू ऐड करनी पड़ेगी। फिर एक वैल्यू हटते ही आपको डिस्प्ले हो जाएगा, ठीक है। जैसे करते हैं, पहले मैंने ऐड किया मान लो 11 बोल रहा था ना, 11, फिर मैंने ऐड किया 15, फिर ऐड किया 17, फिर मैंने ऐड किया 19, फिर ऐड किया 23, आ गया। देखो पहली बार जब कॉल हुआ तो क्या हुआ, प्रिंट फंक्शन जब कॉल हुआ तो क्या आया, 1 5 7 9 11, ये आ गया पूरा। इसके बाद मैंने डिलीट फंक्शन यूज़ किया था, याद आ रहा है, प्रिंट एल करने के बाद मैंने क्या यूज़ किया है, डिलीट फंक्शन यूज़ किया है। क्या यूज़ किया, देखो स्टूडेंट, डिलीट फंक्शन का यूज़ किया है। देखो मैं बताता हूँ, यहाँ से इसको थोड़ा सा ऐसे कर लेते हैं, ठीक है, छोटा कर लेते हैं इसको। मैंने क्या कॉल किया यहाँ से, देखो पहले मैंने क्या किया, ऐड मैंने क्या किया, देखो स्टूडेंट, ऐड किया 11, फिर दूसरा फंक्शन कॉल हुआ तो क्या ऐड किया, 15, फिर क्या ऐड किया, 17, फिर क्या ऐड किया, 19, फिर ऐड किया 23। प्रिंट एल करते ही ये एक बार आपका डिस्प्ले होगी, पूरी लिस्ट हो गई। इसका तुरंत फिर क्या कॉल हुआ, डिलीट फंक्शन कॉल हुआ। डिलीट फंक्शन ने क्या किया, लास्ट को विद द हेल्प ऑफ पॉप फंक्शन लास्ट एलिमेंट को 23 को क्या कर दिया, हटा दिया। अब प्रिंट एल करेंगे तो ये आउटपुट हमारा लास्ट आउटपुट आ गया। समझ में आ गया किसी स्टैक के ऐड और डिलीट फंक्शन कैसे क्रिएट करते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं, ईजीली आप कर सकते हो। बस आपको दो चीज़ की तैयारी होनी चाहिए, अपेंड और पॉप फंक्शन। स्टूडेंट यही इतना छोटा सा फंक्शन 3 और 4 मार्क्स का आता है बोर्ड में, कि पॉप फंक्शन और अपेंड फंक्शन की हेल्प से क्या करना, स्टैक की प्रोग्रामिंग करना, ठीक है। ओके, आज के लिए इतना सफिशिएंट। स्टूडेंट एक और इस पर बार बार देखो, ठीक है, ऐड कैसे हो रहा है स्टैक में, मैंने उस दिन ही बताया था, और पॉप एट में डिलीट कैसे हो रहा है। मतलब वो स्टैक कुछ नहीं है, स्टैक इट इज सेम एज लिस्ट, लिस्ट की तरह ही होता है, बट इसमें क्या है कि एडिशन कहाँ होना चाहिए, लास्ट में होना चाहिए, और डिलीशन भी कहाँ होना चाहिए, लास्ट में, भी रिमूव कहाँ से होना चाहिए, लास्ट से होना चाहिए। ये अगर 2 फीचर्स मैं इस लिस्ट में ऐड कर देता हूँ तो वो क्या बन जाएगा, स्टैक बन जाएगा। ये दो चीज़ तो होती है, ये दो चीज़ आपको करनी है, सिंपल है, कोई दिक्कत तो नहीं। ओके, अब इसको देखना स्टूडेंट, मैंने बता दिया आपको 1 बाई 1 बाई 1। तो जितनी बार फंक्शन कॉल करते हैं उतनी बार ये फंक्शन कॉल होगा और उतनी बार ये इनपुट लेगा और ऐड करता जाएगा दिक्कत करके। तो वो कितनी बार इनपुट लिया इसने, 5 बार लिया ना, क्योंकि मैंने 5 बार ही कॉल किया था फंक्शन ऐड वाला। डिलीट कितनी बार कॉल किया मैंने, 1 टाइम, इसलिए एक ही एलिमेंट लास्ट का हट गया, ठीक है ना। पॉप फंक्शन क्या करता है, एक लास्ट एलिमेंट को रिमूव कर देता है, ठीक है। अगर मैं इस डिलीट फंक्शन को स्टूडेंट 2 बार कॉल कर लूँ, कितनी बार कॉल कर लूँ, 2 टाइम्स कॉल कर लूँ, कब कॉल कर देखते हैं। अब देखना आपका ये कितनी बार होगा आउटपुट, देखना। पहले मान लीजिए मैंने किया 11 था ना, 11 19 21 23 25, ठीक है, पहला आउटपुट क्या आया, ये सब ऐड हो गए। अब मैंने डिलीट फंक्शन कितनी बार कॉल किया, पहली बार जब कॉल हुआ तो 25 हटा, दूसरा कॉल हुआ तो 23 हट गया, आंसर कितना आ गया लास्ट आउटपुट, इतना आ गया, ठीक है ना। तो ये मैं बताना चाह रहा हूँ, जितनी बार कॉल करते उतनी बार वो फंक्शन एग्जीक्यूट हो जाता है, ठीक है स्टूडेंट, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है बेटा। एक बार इसे रिवाइज करिएगा, अगर मैं इसी फंक्शन को, ठीक है, 3 बार 5 बार 6 बार जितनी बार आप कॉल करना चाहते हैं उतनी बार अगर मैं कॉल करता हूँ ना स्टूडेंट, तो उतनी बार ही डिलीट आपके वेरिएबल हो जाएंगे, ठीक है। 4 बार 5 बार, अब मैंने 5 बार कर लिया, तो जितने एलिमेंट हमारे ऐड हुए थे उतने एलिमेंट क्या हो जाएंगे, हट जाएंगे, देखना, ठीक है। देखते हैं क्या करें, 11 अभी तो एडी फंक्शन काम कर रहा है ना, 15 17 19 23 हो गया, ये आया आ गए। अब लास्ट से एक एक करके 5 वैल्यू मैंने इंसर्ट की तो हट गई, तो सेम वही लिस्ट आ गई हमारी, जितनी बार ऐड करोगे उतना डिलीट हो गया। तो यही फंक्शंस क्या है आपके,
स्टैक के फंक्शन है, स्टैक बना सकते हैं विद द हेल्प ऑफ अपेंडेड पॉप फंक्शन। किसी लिस्ट को हम क्या बना सकते हैं, स्टैक बना सकते हैं। ठीक है, कल बताऊंगा मैं क्यू के बारे में, आज स्टैक कंप्लीट हो गया। ठीक, ओके, थैंक यू स्टूडेंट, घर पर रहें और सुरक्षित रहें, कोई दिक्कत आए तो मुझसे पूछें। ओके ओके।